यहां पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए थैंक यू वेरी मच आप लोग बहुत लंबे लंबे जगह से यहां पर आए हैं और इस फंक्शन के लिए आए हैं इसके लिए अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए तो ये तो मेरे को कहा गया कि ये बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है बिजनेस डेवलपमेंट सेमिनार है ये तो बात ठीक है लेकिन मेरे को ये बताइए कि आप यहां पर क्यों आए हैं एक एक करके हाथ ऊपर करके बताएंगे ईमानदारी से बैठे बैठे बता दीजिए नहीं तो स्टेज पे बुलाऊंगा हाँ चलिए यस सर बोलिए हम औरंगाबाद से आए हुए हैं अशोक कुमार गुप्ता मेरा नाम है बालाजी ड्रेस के प्रोपराइटर हम हैं हाँ, हम क्यों आए हैं आप यहाँ पर हम यहाँ पे बिजनेस के बारीकियों को सीखने समझने के लिए आए हैं ताकि अपने बिजनेस को हाँ, हम कैसे अपने ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर ले जा सके ओके okay, तो यहाँ पर सब आए हैं ताकि अपने बिजनेस को बुलंदियों पे ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं इसके लिए वो यहाँ पर आए हैं कोई और कोई और जल्दी जल्दी बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं You know, आप ये भी बोल सकते हैं मेरे पास तो काम दाम था ही नहीं यस सर क्यों आए हैं आप सर हमें प्रकृति द्वारा तो बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत प्राप्त हैं लेकिन हमें हम संतोष नैयर जी से पावर का टैंक लेने आए हैं अच्छा पावर लेने आए हैं इसको भी इसको पावर की जरूरत है तो ये पावर लेने के लिए आया हुआ है ये अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आए हैं कौन और कौन बोलेगा हम यहाँ से से जीरो से हीरो बनने के लिए आए हम तो जीरो से, से हीरो बनने के लिए आए हैं यहाँ पर ओके वंडरफुल यस सर आप क्यों आए हैं जो हाथ ऊपर कर है जो आपका लोगो लिखा हुआ है ग्रो हाँ? ये है सिंपल वर्ड बट इट मीन सम्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रो टूगेदर आप ये समझना चाहता है ओके जेंटलमैन आए हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर थीम लिखा हुआ है ग्रो टुगेदर करके यहाँ पर थीम लिखा हुआ है ग्रो टूगेदर आप अगर देखेंगे गौर से वहां पर लिखा हुआ है ग्रो टुगेदर तो ये जानना चाहते हैं कि ग्रो टुगेदर के पीछे कोई राज होगा कोई कला होगी अगर हमें साथ में मिलके बढ़ना है अगर एस 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 को अपने सप्लायर के साथ अपने कस्टमर के साथ अपने एम्प्लॉय के साथ मिलके अगर आगे बढ़ना है तो उसके पीछे कोई राज होगा ऐसा उन्हें लगता है निश्चिंत रूप में कोई राज है और उस राज के बारे में हम बात करेंगे यस सर यस सर तीन पॉइंट्स हाँ जी बोलिए अपने बिजनेस को ऑटो मोड में कैसे करें हाँ ये जानना चाहते हैं कि मेरा बिजनेस जो है इसको ऑटो मोड में कैसे किया जाए मतलब मैं अगर नहीं भी रहा मैंने अगर दुकान में नहीं गया मैं ऑफिस में नहीं गया तो भी मेरा काम कैसा चलता रहेगा ऑटो मोड पे ये ये जानना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं मॉल कल्चर से कैसे हम लोग कंपीट करें या कैसे सरवाइव करें कौन से कल्चर से मॉल्स हाँ मॉल कल्चर से एक होती है मॉल और मॉल का जो कल्चर है उस मॉल के कल्चर से हम सरवाइव कैसे हो सके ऐसा ये जानना चाहते हैं और तीसरी बात हम लोग खुद वॉलमार्ट या बिग बाजार कैसे बन सकते अरे वाह 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 अभी ये बोलते हैं कि हमको भी वॉलमार्ट बनना है हमको बिग बाजार बनना है जैसे किशोर बियानी ने बिग बाजार बनाया ऐसा ये ये साफ चाहते हैं कि वो भी बने यू नो और ये बन सकते है हंड्रेड परसेंट आप में से हर आदमी किशोर बियानी बन सकता है हर आदमी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है बहुत बुलंदियों पे पहुंच सकता है लेकिन उसके कुछ फॉर्मुले होंगे उसके लिए कुछ करने पड़ेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे हाजी सर यस गुड गुड ऐसे तो सब बैठे हैं और सभी के पास नॉलेज है नॉलेज बांटने से बढ़ती है तो जब हम मिलकर बांटेंगे एक दूसरे से तो नेचुरली हमारे सबके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी हम कॉम्पिटिशन एंड और भी जो प्रॉब्लम है बिजनेस में हम अच्छे से फेस कर पाएंगे ठीक है यस यस मैडम यस ओके okay, मैं यहां पर आई हूं ये यह लड़की यहां पर आई है व्हाट्स योर नेम राधिका राधिका मेरी थर्ड बेटी का नाम है ना <laughs> मेरी तीन बेटियां उसमें मेरी तीन बेटियों का ना तो एक बेटी इधर यहां पर आई है और वो कह रही है कि मैं फ्यूचर में बिजनेस वुमेन और औरप्रिन बनना चाहती हूं और उसके लिए मैं यहां पर कुछ सीखने के लिए आई हूं निश्चिंत रूप में उसे भी मिलेगा यहां पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए पक्का मिलेगा यस और कोई यस सर जेंटलमैन एक्सपीरियंस एंड आईडिया एक्सचेंज करने आया तो डियर फ्रेंड्स मुझे काफी आइडिया मिल गया है आप में से किसी ने कहा कि मेरा बिजनेस को ऑटो मोल्ड में कैसे मैं डाल दूं किसी ने कहा कि मुझे यू नो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है मुझे तरक्की करना है किसी ने कहा कि मुझे किशोर बियानी के माफत फ्यूचर ग्रुप बनाना है किसी ने कहा ये लेडी ने राधिका ने कहा कि मुझे बिजनेस वुमेन बनना है तो ये सभी चीज़ ये बहुत ही उमदा बात है बीच में हम जब बात करेंगे तो आपके मन में और कोई बात होगा तो आप बिल्कुल मेरे को बता दीजिए तो जल्दी से मैं अपनी कहानी बता देता हूं कि मैं कौन हूं करके मेरा नाम संतोष नायर है बंबई में बॉर्न एन ब्राटअप चौपन बरस का हूं आज से कई साल पहले 1983 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था डोर टू डोर जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था घर घर में मैं न्यूज़पेपर डालता था उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था एस वाई बी कॉम में था मैं उसके बाद रात मैं दोपहर के टाइम पे मैं ट्यूशन करता था और रात को मैं न दोपहर के टाइम पे अकाउंटेंट की काम करता था और रात को मैं ट्यूशन लेता था ऐसा जिंदगी बीतता जा रहा था सब मिला के तीन सौ चार सौ रुपए कमाते थे और जब मैं तीन सौ चार सौ रुपए मेरे फादर के हाथ में मेरे इनो फादर के हाथ में देता था तो वो तीन चार करोड़ के बराबर होता था उनके लिए चलते चलते मेरे को एक दिन मिल गया स्वामीनाथन अय्यर जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था अय्यर ने मुझसे पूछा तो करता क्या है मैंने कहा कि रोज सुबह मैं न्यूज पेपर डालता हूँ उसके बाद मैं कॉलेज में जाता हूँ दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता हूँ रात को ट्यूशन लेता हूँ तब स्वामीनाथन अय्यर ने कहा स्कूल में तो तू बड़ी बड़ी बातें करता था स्कूल में तो तू जनरल नॉलेज में तू सबसे पहला आता था और बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ने ये कर दूंगा ने वो कर दूंगा अब मैं तेरे को बोलता हूँ संतोष नायर जो तू न्यूज़पेपर का धंधा करता है हमारे गली में वो कुलकर्णी भी तो पिछले तीस साल से न्यूज का धंधा कर रहा है तो तीस साल से न्यूज का धंधा करने वाला कुलकर्णी तीस साल में सिर्फ स्कूटर तक पहुंचा है और जो तू अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा है आज के तारीख में तेरी चार सौ रुपए की पगार है अगले महीने में अगले साल वो 650 पांच सौ हो जाएगी अगले साल वो छे सौ हो जाएगी अगले साल वो आठ सौ हो जाएगी नौ सौ हो जाएगी आज से पंद्रह साल के बाद जब तेरी उम्र पैंतीस की होगी तो तेरा इनकम होगा चार पच हजार रुपया चार पांच हजार रुपए से तू कैसे जिंदगी जिएगा तू अपने बीवी और बच्चे लोग को किस तरह का लाइफ देगा और ये जो तू तु, ट्यूशन तु, लेता है एक ट्यूशन के लिए सौ रुपया दूसरा ट्यूशन के लिए दो सौ रुपया तू कितना ट्यूशन लेगा संतोष नायर तू जिंदगी में बड़ा आदमी नहीं बन सकेगा जब स्वामीनाथन अय्यर ने ऐसे मुंह पे देख के बता दिया कि तू लाइफ में साले कुछ नहीं कर पाएगा तब मैंने बुलाया यार अय्यर ऐसे मत बता तो करे क्या लाइफ में बोलता है अगर जिंदगी में पैसा कमाना है नाम कमाना है इज्जत कमानी है शोरत कमानी है और अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है जरूरतों के हिसाब से नहीं अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है जरूरतों के हिसाब से नहीं तो एक ही लाइन है एक ही काम है एक ही नौकरी है एक ही प्रोफेशन है उसमें घुस जा और उसमें तू मास्टरी कर ले तो तेरा नाम इज्जत शोहरत पैसा सब मिल जाएगा हमने कहा यार ये कौन सी काम है जिसके अंदर पैसा नाम शोहरत इज्जत सब कुछ मिल जाएगा तब उसने कहा यह है वो प्रोफेशन ऑफ सेल्स सेल्स में चला जा बेचने की कलाकारी सीख ले सेल्स में चला जा और तेरी लाइफ हिट हो जाएगी सेल्स में अगर तुझे पांच हजार रुपए चाहिए महीने का तो पांच हजार मिलेगा दस हजार चाहिए तो दस हजार मिलेगा पचास हजार चाहिए तो पचास हजार मिलेगा एक लाख चाहिए तो एक लाख मिलेगा पांच लाख चाहिए तो पांच लाख मिलेगा तेरी चाहतों के हिसाब से तू पैसा बना सकेगा सेल्स यानी बेचने की कलाकारी अगर तूने ये मास्टर कर ली तो तेरे को ये पैसा मिल सकता है तब मैंने अय्यर से कहा यार अय्यर मेरे को तो सेल्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है बोलता अमिताभ एक्टिंग करने के पहले अमिताभ को एक्टिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था कोई भी इंसान कोई भी प्रोफेशन में सानिया मिर्जा इनो टेबल टेनिस में आने के पहले उसे टेनिस के बारे में नहीं मालूम था सानिया नेहवाल बैडमिंटन के अंदर आने के पहले उसे बैडमिंटन के बारे में नहीं मालूम था सरोगी साहब धंधे में आने के पहले बिजनेस में आने के पहले बिजनेस के बारे में वो जानते नहीं थे देर फॉर कोई भी प्रोफेशन के अंदर कोई भी काम के अंदर कोई भी इंसान पहले आने के बाद ही वो सीखता है अगर एक्टिंग में आने के बाद एक्टिंग सीखता है फुटबॉल में आने के बाद फुटबॉल सीखता है क्रिकेट में आने के बाद क्रिकेट सीखता है धंधे में आने के बाद वो धंधा सीखता है एंड देर फोर उसने मुझसे कहा कि तू सेन बन जा अब मैंने तो डिसाइड कर दिया कि भाई अभी तो मैं सेल्समैन बन जाऊंगा लेकिन बनू कहां पर बहुत सारे इश्तियार हमने देखे उस जमाने में तो नौकरियां इतनी जल्दी मिलती नहीं थी नाइनटीन की बात है तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे जगह पे इश्तियार देखा और अप्लाई किया लेकिन किसी ने बुलाया नहीं फिर एक दिन हमने देखा कि एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट आई और उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा है जिंदगी बनाना चाहते हो नाम बनाना चाहते हो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो और छह महीने में एक बाइक लेना चाहते हो कम टू यूरेखा फोर्ब्स नाम सुना है यूरेखा फोर्बार्ड वैक्यूम क्लीनर यू नो एक्वागार्ड जो वाटर प्यूरिफायर वो बेचती है और वैक्यूम क्लीनर यानी जो साफ सफाई करने का जो मशीन है वो बेचने की कंपनी थी हमें तो नहीं मालूम था कि ये कंपनी क्या थी करके 85 में तो उसका कोई नाम पता तो था ही नहीं तो हमने ये इश्तेहार देखा और उसमें लिखा हुआ था वॉक इन इंटरव्यू सुबह साढ़े बजे आ जाइए और मेरे पास तो जाने के लिए पैसे नहीं थे तो केवल राज सालियन बोल के मेरा दोस्त है उसके पास गया मैंने पांच रुपए उससे उधार लिए मैं बोला मेरे को वर्ली जाने का वो बोल रहा मैं भी चलता हूँ वर्ली में क्योंकि मेरा भी उधर सशमीरा कॉलेज में कोई इंजीनियरिंग का पेपर देना हम साथ में चलते हैं उससे पांच रुपये उधर ली और हम बस पकड़ के गए उतरे हम स्टेशन पे जो जहाँ उतरनी थी और उतर के और उतरते टाइम उसका थैली जो था अपना केवल राज सालियन जो दोस्त था उसका थैली मेरे हाथ में रह गया उसमें उसका सर्टिफिकेट मेरे हाथ में रह गया उस जमाने में पेजर बीजर मोबाइल तो होती नहीं थी तो मैंने कहा अभी तो इसको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते तो हम पेपर पेपर लेके खुद ही वो क्रिस्टल बिल्डिंग में हम चले गए चौथे माले पे हम पहुंच गए चौथे माले पे युरेका फॉक्स में हम पहुंच गए दरवाजा हमने खोला साली एक हार्ट अटैक हो गई हमको 400 लोग बैठे हुए उधर सब टाई वगैरह कोट सूट चड्डी बड्डी पहन के सब लोग बैठे हुए हैं वहां पर और हम साले जींस में गए हुए हैं आधा शर्ट चप्पल में गए हुए हैं हमें क्या मालूम कि इंटरव्यू में जाना है तो जूते में जाना चाहिए टाई पहनना चाहिए कोट पहनना चाहिए ब्रीफ केस लेके जाना चाहिए हमने तो जिंदगी में कोई इंटरव्यू दी नहीं थी तो वहां पर हमने देखा कि उनको देखते ही हमको लग गया कि इधर तो अपना कुछ दाल गलने वाला है नहीं मैंने चुपचाप दरवाजा बंद करके मैंने नीचे उतरने चालू कर दिया मैं नीचे चल के आ रहा था सेकंड फ्लोर तक पहुंचा तभी ये केवल रात सालियन मेरा दोस्त ऊपर चल के आ रहा था उसका पेपर लेने के लिए बोलता यार वो मेरा पेपर तेरे हाथ में रह गया और तेरा इंटरव्यू खत्म हो गया मैं बोला नहीं इंटरव्यू खत्म नहीं वो मैं गया ही नहीं वहां पर ऐसे ऐसे एक एक लोग बैठे हुए परफ्यूम बिरफ्यूम मार के अंग्रेजी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं उनके सामने अपनी कुछ होने वाली है नहीं और उसी लिए मैं सोच रहा हूं मैं घर जा रहा हूं तो उसने अपने जेब से एक पावती निकाली एक पेपर का टुकड़ा निकाला उसने कहा सुबह मैंने तेरे पांच रुपए दिए थे ये मिला के पहले वाले जो पैसे तो मेरे को दे देने हैं एक सौ पैंतीस रुपया होता है आज का पांच रुपया और पहले का एक सौ तीस रुपया एक सौ पैतीस रुपया अभी दे दे सेकेंड फ्लोर में नहीं तो साले ऊपर चला जाए इंटरव्यू देने के लिए तब जाके हमको पता चला ऐसे जब नहीं है ना आदमी कुछ भी करा सकता है इनो तो मैं चला गया ऊपर चला गया और मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया अनिल कुमार पहला जो इंटरव्यू लिया था एक बड़ा छः सात फुट का आदमी ने लिया राजेश मल्होत्रा बोल के आदमी मल्होत्रा साहब जब इंटरव्यू लेते हैं अंग्रेजी में इंटरव्यू लेते हैं मल्होत्रा साहब तीन चीज करते हैं आदमी पसंद आ गया तो सिलेक्ट आदमी ठीक ठाक लगा तो रिजर्व कैंडिडेट में डाल देते हैं और आदमी एकदम बेकार लगा उनको लगता है ये तो कर ही नहीं पाएगा तो उसको रिजेक्ट करते हैं लेडीज एंड जेंट्स में मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उन्होंने मेरे को थर्ड कैटेगरी में डाल दिया उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे को देख के मेरा टोटल वजन 45 किलो का था और 20 किलो का तो सूटकेस लेके घर घर में जाना पड़ेगा तो उन्होंने देखा मल्होत्रा साहब ने कि बुला पतला सा लड़का है ये तो ऐसी बैग ले लेगा तो ऐसी मर जाएगा ये तो इससे तो होगा नहीं और मल्होत्रा साहब ने अंग्रेजी में बहुत सारी क्वेश्चन पूछे क्योंकि मल्होत्रा साहब डॉन बॉस को एजुकेटेड इनोम एजुकेटेड थे अंग्रेजी मीडियम के थे हम तो बर्फी वाला स्कूल में हिंदी में बात करते थे भले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी लेकिन मल्होत्रा साहब ने जो भी क्वेश्चन पूछा उसको हम सेटिस्फेक्ट्री आंसर नहीं दे पाए और इसीलिए हमें रिजेक्ट कर दिया और हमें यह कहा गया कि हम पंद्रह दिन में आपको बताएंगे तो मैं भी बड़ा खुश हो गया क्योंकि हमें क्या मालूम है पंद्रह दिन बाद में बताएंगे इसका मतलब है कि हम रिजेक्ट हो गए हमें तो मालूम ही नहीं था घर जाके हमने अपने माँ को कहा कि मेरे को लगता है मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं पूछा क्या है हमने कहा डोर टू तो डोर जाना है यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी है बोले करना क्या बोले वैक्यूम क्लीनर बोले वो क्या है बोले वो तो हमें भी नहीं मालूम तो मां ने कहा तू घर घर में जाएगा ये जो अपने घर में जो अगरबत्ती बेचने के लिए लोग आते हैं फिनॉइल बेचने के लिए जो घर घर में हमारे आते हैं तू वैसा काम करेगा तो मेरी माँ बिचारी घबरा गई बोला बेटा एकदम आउटलाइन हो जाएगा तो उसने पूरी कहानी लेके के -के नायर जो मेरे बापू है ऐसा तो उनको डाकू के एस नायर बोलना चाहिए क्योंकि बहुत ही टेररिस्ट टाइप के आदमी है मतलब एकदम खतरनाक जो बोलते हैं ना पूरी खानदान उससे डरते बिल्डिंग वाले उनसे डरते हैं यू नो पूरी खानदान उनसे डरते हैं के एस नायर से जो मेरे फादर हैं मेरे फादर के पास गए और मदर ने कहा कि देखो बेटा बोलता है घर घर में जाएगा डोर टू डोर काम करेगा मेरे फादर ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा बोले ये सब काम जो है सिंधी पंजाबी लोग करते हैं और ये सब काम हमारा है नहीं हम मद्रासी लोग हैं और मैं देखो मुझे देख मेरे माफत बन मेरे डायलॉग मेरे फादर ने एक डायलॉग मारा मुझे देख मेरे माफत बन मैं 1955 से कमानी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में काम कर रहा हूं और मैं जिस जगह पे हूं वहां से 30 साल से उसी कंपनी में बैठा हूं मुझे देख मेरे माफत बन वो दिन मेरी जिंदगी पलटी क्योंकि उनके डायलॉग में बहुत दम था उसने कहा मुझे देख मेरे माफत बन मैंने ये डिसाइड कर दिया कुछ भी कर लूंगा आपके जैसे तो बनना ही नहीं है क्योंकि ये टोटल उधार आइटम था मेरा जो भाव था ना ये टोटल उधार आइटम था मतलब अगर सौ आदमी को जानते थे तो दो से उधार लिया हुआ है सबसे उधार लेते थे हमें भी भेजते थे दोस्तों के पास उधार लेने के लिए तब से हमें लाइफ में एकदम खुरना सा हो गया कि हम लाइफ में कभी उधार लेके काम नहीं करेंगे और इस तरह से उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और बोले तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है जैसा तू अभी अकाउंटेंट का नौकरी करा वो बहुत ही बहुत बढ़िया है उसी में तेरा ग्रोथ हो जाएगा तुझे ये करने की जरूरत नहीं है लेकिन बात अय्यर की स्वामीनाथन अय्यर की बात में गुम रही थी मेरी दिमाग में और यह तय जरूर हो गया था कि हमें तो बनना है सेल्समैन अभी ये के एस नायर के चक्कर में पढ़ना नहीं है क्योंकि लाइफ में एक बड़ी बेटी खड़ी है उनकी यानी मेरी बड़ी बहन उसका शादी कराना छोटी का शादी कराना उधारी चुकाना है सब कुछ भार निकालना है जिंदगी बनानी है और ये बोलता है मेरे को देख मेरे माफत बन मैंने डिसाइड कर दिया उनके माफत तो बनना ही नहीं है लेकिन वहां से कॉल भी तो नहीं आया था युरेका फोप से कहानी ऐसे जाती है माय डियर फ्रेंड 2 अक्टूबर 1985 को एग्जैक्टली 1 महीने के बाद एक महीने के बाद इंटरव्यू के लिए मेरे को फोन मतलब टेलीग्राम आया एक महीने के बाद टेलीग्राम आया कहानी ऐसी जाती है कि मल्होत्रा साहब जो थे वो आधा बंबई संभालते थे और गुप्ता साहब बोल के दूसरे ब्रांच मैनेजर थे वो आधा आधा बंबई संभालते थे अब गुप्ता साहब को आदमियों की जरूरत थी लेकिन उन्होंने एस्टीआर बिस्ती डाला उनको कोई ठीक ठाक आदमी नहीं मिला तो वो मल्होत्रा साहब के पास गए क्योंकि ब्रांच का जो लोकेशन था एक ही था एक ही लोकेशन से दो ब्रांच चलती थी एक आधा बंबई ये देखता था आधा बंबई वो देखता था तो मल्होत्रा साहब के पास गुप्ता साहब गए और बोले यार तेरे पास तो कुछ आदमी है सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो मेरे को दे दे तो उन्होंने कहा मेरे पास तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है नहीं लास्ट टाइम तो जितने सिलेक्ट हुए उनको तो मैंने ट्रेनिंग में डाल दिया बोले अच्छा तेरे पास कोई रिजर्व कैंडिडेट होगा ना वो मेरे को दे दे गुप्ता साहब ने कहा बोले ये टाइम रिजर्व कैंडिडेट भी मैंने सिलेक्ट करके ले लिया बोले अच्छा तेरे पास रिजेक्ट माल तो होगा बोले है ना मेरे पास दो ढाई सौ रिजेक्ट माल है तो रिजेक्ट माल का जिसके अंदर हम भी थे तो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का, का एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के गुप्ता साहब ने ने मल्होत्रा साहब ने गुप्ता साहब को दे दिया मेरे ख्याल से वो क्या टेक्निक उन्होंने यूज किया मेरे को नहीं मालूम या आंख बंद करके मतलब डब्बे में हाथ डाल के एप्लीकेशन निकाला लेकिन हमारा नंबर आ गया और हमारे को टेलीग्राम दोपहर के टाइम पे टेलीग्राम हमारे घर में आया था घंटी बजी थी हमने दरवाजा खोला था तकदीर ने वहां साथ दिया तकदीर ने वहां साथ दिया क्योंकि दरवाजा हमने खोला था टेलीग्राम हाथ में लिया उसमें लिखा था रिपोर्ट फॉर फाइनल इंटरव्यू सुबह साढ़े नौ बजे थर्ड अक्टूबर 1985 में आना है अगर वो डाकू के हाथ में लगता टेलीग्राम तो सला आज हम सले कोई चीरा बाजार की गली में बंबई में अकाउंटेंट की नौकरी करते हुए मरवाते होते तो तकदीर ने वहां साथ दिया और मैंने बताया नहीं किसी को अगला दिन मैं पहुंच गया गुप्ता साहब के सामने और उन्होंने कहा तू क्या करना चाहता है मैं बोला सर आप बोलिए वैसा करूंगा आप बोलिए बम्बई में चड्डी सर पे पहन के चर्चगेट रेलवे स्टेशन में खड़े रहने से पैसा मिलता है तो अभी से मैं पहन के खड़ा हो जाता हूं आप बताइए मैं वैसा करूंगा मुझे पैसे कमाने हैं सर मुझे पैसे कमाने हैं मेरी माली हालत बहुत खराब है मुझे पैसे कमाने हैं तो उन्होंने कहा ये लाइन में बहुत नाम है इज्जत है मैं बोला वो सब आप अपने पास रखिए नाम और इज्जत अपने को नहीं चाहिए अभी रोकड़ा चाहिए रोकड़ा रोकड़ा चाहिए मेन मेन मुद्दा रोकड़े की है आप मेरे को वो बताओ कि कमाना कैसे है तो बोले कोई बात नहीं कल बाज कल सुबह चार अक्टूबर 1985 को एक बैच चालू कर रहा हूं पंद्रह लड़कों के साथ और एक बैच मैं चालू करूंगा पंद्रह दिन के बाद कौन सा ज्वाइन करना चाहोगे मैंने कहा सर पंद्रह दिन के बाद मैं आ जाता हूं बाकी के कामें निपटा के तब उसने एक बहुत पते की बात कही गुप्ता साहब ने तो उन्होंने कहा कि अगला पंद्रह दिन तू तो करने वाला क्या है आगे अगला पंद्रह दिन तो अकाउंटेंट का ही नाम करेगा ना डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वार्ड गोस डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट इन, इनकम्स एंड इन, प्रॉफिट डेबिट द दे रिसीवर क्रेडिट द रिस गिवर मतलब तू अकाउंटेंट का ही काम करेगा अगला पंद्रह दिन में तेरी जिंदगी तो बदलने वाली नहीं है अगर तू अकाउंटेंट का नौकरी करेगा लेकिन अगर तू सेल्स में कल सुबह से जुड़ जाता है तो कल सुबह से तेरे को मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी कल सुबह से कंपनी के बारे में जानकारी हो जाएगी कल सुबह से तेरे को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो जाएगी और ये जानकारी से जिंदगी में तू हमेशा पंद्रह दिन आगे रहेगा साला बात तो पते की लगी गुप्ता साहब ने बात बताई पते की लगी क्योंकि पंद्रह दिन तो हम वही करने वाले थे जिसके करने के वजह से तो हम ऐसी हालत में फंसे हुए थे तो और एक और दिन क्यों करना वो काम जो काम हमें आगे नहीं लेके जा रहा है तो ये बात तय हो गई कि भाई कल सुबह ज्वाइन करेंगे सर अब मैं जाके अपना पुराना कंपनी में से रिजाइन करके मैंने अपने फादर को फोन लगाया फोन लगाया फोन डाकू के एस नायर को हमने फोन लगाया उसने हमारे जो केरला के मलयालम लैंग्वेज में जितनी गालियां हैं होल सेल में मेरे बाप ने मेरे को टेलीफोन पे सुना दिया और वो बोलता जा रहा था तेरे को अक्कल है नहीं तू थोड़ा अकड़ू टाइप का आदमी है तेरे को मैंने बोला था और ये जो चार सौ रुपए की नौकरी है वो छोड़ना नहीं है मैंने तो कभी यूरेखा फोर्ब्स के बारे में कभी सुना नहीं है तू बेटा मैंने तेरे को बोला था तेरा मामा भी ऐसी था सर फिरा ये वो ऐसी चढ़ा रहा था अर चढ़ रहा था एक टाइम के बाद मैंने पहली बार उन्नीस बरस की उम्र में पहली बार उन्नीस साल की उम्र में मैंने आवाज उठा करके टेलीफोन थी ना तो थोड़ा आवाज उठा सका टेलीफोन पे मैंने कहा पप्पा अभी एक और लैंग्वेज एक और बात नहीं करना आपने एक और वर्ड बोल दिया तो मैं फोन काट दूंगा जिंदगी भर मैं वापस घर नहीं आऊंगा लेकिन इतना वादा करता हूं जो चार सौ रुपये में कमाता हूं एज एन अकाउंटेंट तीस तारीख बोल के एक तारीख हर महीने में होगा तो तीस तारीख को कसम भवानी की घर में हम चार सौ पहुंचा देंगे लेकिन जिंदगी में वापिस आपके घर में वापिस नहीं आएंगे एक मिनट के लिए एकदम सन्नाटा सा हो गया फोन पे पहली बार डाकू हिला पहली बार केस नायर को मैंने हिलते हुए देखा और उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा मैं ऐसा बता रहा था कि मैंने मैंने मैं ना तेरी वेलफेयर के लिए मेरी तेरी भलाई के लिए मैं बोल रहा तो मैं बोला पप्पा अपनी हालत तो इतनी खराब है इससे नीचे तो जाने का तो सवाल ही नहीं उठता अपनी इसी फटी हुई है इससे ज्यादा फटना ही नहीं है तो फिर मैंने ज्वाइन कर दिया फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन पांच दिन का ट्रेनिंग हुआ था यूरेका फोर्स में अनिल कुमार गुप्ता साहब ने ट्रेनिंग दी और हम सब से उन्होंने गोल बुक लिखवाया कि आपको जिंदगी में क्या करना है एंड ऑल दोस थिंग्स और पांच दिन का ट्रेनिंग हुआ यूरेका फोर्स में यू नो पांच दिन के ट्रेनिंग के बाद 11 अक्टूबर 1985 को करीबन 20 दिन अक्टूबर में बचा हुआ था मंथ क्लोजिंग के लिए 11 अक्टूबर को हमको भेज दिया फील्ड में उस जमाने में माई डियर फ्रेंड्स, फ्रेंड्सा फोर्स में साढ़े तीन हजार सेल्समैन काम करते थे साढ़े तीन हजार सेल्समैन में अगर आप एवरेज निकालो पूरा महीने का तो चार वैक्यूम क्लीनर का एवरेज बनता है चार वैक्यूम क्लीनर यानी साढ़े तीन हजार सेल्समैन लोग चार मशीन महीने का बेचते हैं एवरेज और अगर आपने छह या सात भेज दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर आपको बहुत ही सुंदर उड़पी होटल में लेकर जाके खाना खिलाएगा और अगर आपने दस या बारह भेज दिया तो आपका रीजनल मैनेजर आपको उससे भी बढ़िया होटल में लेके जाके डिनर खिला देगा और अगर आपने चौदह या सोलह भेज दिया तो हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मरफतिया आता था अपना स्टैंडर्ड टू रोवर कार में जो उस जमाने का सबसे महंगा गाड़ी होता था इंडिया का उसमें आता था और ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट में बंबई में लेके जाएगा खाना बिना खिलाएगा जो चाहिए तुमको खिलाएगा पिलाएगा और जहां चाहिए चुम्मा लगाएगा आप बोलेंगे ना पिछवाड़े पे चुम्मा लगा दो मेरे को तो मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फे पिछवाड़े पे चुम्मा लगा देगा अगर आपने चौदह या सोलह वैक्यूम क्लीनर भेज दिया लेडीज एंड जेंट्स मुझे बड़ी खुशी है यह बताते हुए कि 20 दिन अक्टूबर के लिए बचा हुआ था और 20 दिन जब खत्म हुआ इकतीस अक्टूबर को मैंने छब्बीस वैक्यूम क्लीनर भेज दिया था छब्बीस <laughs> वैक्यूम क्लीनर <laughs> तो मैं बन गया इंडिया का नंबर वन सेल्समैन मुझे लगा वो फ्लूक में हुआ सबको लगा फ्लूक में हुआ क्योंकि कभी कभी धंधा आपे आप हो जाता है हमें भी नहीं मालूम कि हुआ कैसे एंड देर फोर अगले महीने में बत्तीस हो गया उसके अगले महीने में तैतीस किया उसके अगले महीने में सैंतीस किया उसके अगले महीने में थर्टी नाइन किया उसके अगले महीने में फोर्टी वन किया उसके अगले महीने फोर्टी थ्री किया लेकिन जिंदगी में कभी भी पिछले महीने से कम कभी नहीं बेचा पिछले महीने से कम कभी नहीं बेचा और मैं बन गया मैं बन गया इंडिया का नंबर वन सेल्समैन और तो उन्होंने मेरे को बना दिया ग्रुप लीडर मैं बन गया इंडिया का नंबर वन ग्रुप लीडर चार लड़के थे मेरे साथ फिर मेरे को उन्होंने बना दिया सेल सुपरवाइजर मैं बन गया इंडिया का नंबर वन सेल्स सुपरवाइजर बारह लड़के थे मेरे साथ उसके बाद मेरे को ब्रांच मैनेजर बना दिया गया और मैं इंडिया का नंबर वन ब्रांच मैनेजर बना पहली बार इंडिया में दो सेल एक ब्रांच हमने किया था पहली बार तीन हमने किया था पहली बार चार एक ब्रांच हमने किया था पहली बार पांच सेल हमने किया था और फिर उसके बाद डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर बना डिविजनल सेल्स मैनेजर बना सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर बना एरिया सेल्स मैनेजर बना रीजनल सेल्स मैनेजर बना और फिर मैं युरेका फोर्ब छोड़ दिया जब मैंने वहां से निकला तो मैं उस कंपनी का यंगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग और रिचेस्ट एम्प्लॉय हुआ था उसके बाद सीज फायर बोल के फायर एक्सचिंग कंपनी है सीज फायर लाल कलर का जो आग बुझाने वाली मशीन होती है फायर एक्सचिंग वहां पर मैं डिप्यूटी जनरल मैनेजर बना उसके बाद मैं जनरल मैनेजर बना उसके बाद मैं एक ट्रेनिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना और फिर उस कंपनी का डायरेक्टर बना और करीबन उन्नीस साल पहले स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी बोल के मेरी ये ट्रेनिंग कंपनी हमने शुरू की हम कॉरपोरेट ट्रेनिंग करते थे दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को ट्रेन करते थे यूनिलीवर कोको कोला -को प्रोक्टर एंड गैम्बल यूनो महेंद्र एंड महेंद्र महिंद्रा फोर्ड हुंडाई सभी को ट्रेन करते थे उसके बाद हमने अपनी पूरी कंपनी स्मॉल और मीडियम अंतरप्रिन जो छोटे धंधे वाले दुकान वाले पांच करोड़ दस करोड़ बीस करोड़ पचास करोड़ के जो धंधा करते उनके लाइफ को सुधारने के लिए हमारी पूरी कंपनी को हमने उस दिशा में ले ली और कॉरपोरेट ट्रेनिंग जो बड़े कंपनियों को ट्रेन करने का कार्यक्रम हमने बंद कर दिया मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स मेरा पहला सैलरी था पाँच सौ रुपये तो मैंने तय किया कि अभी मुझे महीने का पाँच हजार रुपये कमाना भागा 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 मैं पाँच हज़ार रुपया कमाता जब मैं पाँच हजार महीने का कमाता था तो मैंने कहा अब मेरे को पचास हजार रुपये महीने का कमाना भागा 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 मैंने अपनी सोच में बदलाव लाया मेरे कपड़े में बदलाव लाया मेरे काम करने के तरीके में बदलाव लाया मैं पचास महीने का कमाता तब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे को तीन लाख रुपये महीने का कमाना है जब मैं तीन लाख कमाता था मैंने डिसाइड किया मैं पाँच लाख महीने का कमाऊंगा जब मैंने पाँच लाख रुपये महीने का कमाता था मैंने डिसाइड किया साले नहीं नहीं <प्थाँगा> तो कि तो उसके बाद हमने कहा कि दिन में हम तीस हजार कमाएंगे तो फिर हमने कहा दिन में हम तीन लाख कमाएंगे फिर हमने कहा दिन में पांच लाख कमाएंगे जब हम पांच लाख रुपया दिन का कमाते तो हमने कहा साले दिन का काम नहीं चलेगा अभी घंटे का चाहिए तो हमने डिसाइड किया कि घंटे में हम एक लाख रुपया कमाएंगे घंटे का दो लाख रुपया कमाएंगे माई डियर फ्रेंड्स लेडीज एंड जेंटलमैन आज हम दिन का दस लाख रुपया कमाते हैं यू you नो know? मुझे याद है मेरा पहला घड़ी मेरे फादर ने दिया था सेकंड हैंड नहीं था वो पच्चीसवा हैंड था घड़ी था हेनरी सैंडोस एंड फिल्स का तो मैंने पहला घड़ी खरीदा पांच सौ रुपये का फिर हमने कहा पांच हजार की घड़ी रखूंगा फिर हमने कहा कि हम इनो एक लाख का घड़ी रखेंगे दो लाख का घड़ी रखेंगे पांच लाख का घड़ी रखेंगे दस लाख का घड़ी रखेंगे जब हम दस लाख का घड़ी रखते थे हमने बोला अभी रखेंगे पेन पेन दो रुपये का पहले रखता था शार्प का पेन रखता था दो रुपये का फिर हमने कहा कि अभी हम इनो विल्सन का पेन रखेंगे चालीस रुपये के फिर हमने फ्लेयर का पेन रखा

175 स्पेशल ये नया गाड़ी होगा वो जिन जो दिन हमने खरीदा हमने अगला टारगेट रखा कि सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी चलाएंगे जो दिन हमने पद्मिनी लिया वो दिन हमने तय किया कि अगला गाड़ी होगा मारुति एयर कंडीशन एट जो दिन हमने वो गाड़ी लिया और पूजा करके वापस आ रहे थे हमने ये टारगेट रखा कि तो मारुति एस्टीम छह लाख पैंतीस हजार रुपए का आता था हमने रोकड़ा कैश डाउन दे के सिक्स लैक्स थर्टी फाइव थाउजेंड का हमने मारुति एस्टीम खरीदा जो दिन उसका पूजा करके वापस घर आ रहे थे हमने ये डिसाइड कर दिया कि इसको ज्यादा टाइम नहीं चलाना है तो पंद्रह लाख का हुडाइसा गाड़ी हम ये तारीख को खरीदेंगे हमने तय कर दिया हुडाइस सोनाटा जो दिन खरीदा वो दिन पूजा करके वापिस आ रहे थे हमने कहा इसको ज्यादा दिन नहीं चलाएंगे तब हमने मर्सडीज ई क्लास अट्ठावन लाख का मर्सडीस ई हमने कहा यह

ऐसा और अगला जो गाड़ी है अपना छह करोड़ रुपए का रोल्स है उसके बाद हेलीकॉप्टर लेंगे ऐसी गरीब जिंदगी हम बिता लेंगे अब मेरे को बताइए मेरा सक्सेस का फॉर्मूला क्या रहा होगा इनोम एक एक करके हाथ ऊपर करके बताइए कि सक्सेस या सरोगी साहब बोलना चाहते हैं इनोम टारगेट तो हमेशा हमने एक टारगेट रखा ये तारीख को ये तारीख को यह गाड़ी खरीदेंगे ये तारीख को ये ऑफिस खरीदेंगे तारीख को यह खरी घर खरीदेंगे हमेशा पर्पस रहा पर्पस यानी टारगेट लक्ष्य और उसका डेट भी था कलर बिलर के साथ ये कलर की गाड़ी ये तारीख को इतने बजे मतलब दोपहर को डेढ़ बजे ये कलर की गाड़ी ये दुकान से इतने बजे खरीदेंगे मतलब टारगेट रहता था ये एक रीजन है हमारी सक्सेस का और क्या है ये सर I mean हाँ। ओके okay. हमारा एक तो रहा डेडिकेशन टारगेट उन्होंने कहा टारगेट तो कोई भी सेट कर सकता है लेकिन टारगेट सेट करने के बाद डेडिकेटेडली उसके ऊपर काम करना तो वो भी एक बड़ी बात है कि टारगेट सेट किया डेडिकेशन यस जेंटलमैन आउट हियर यस सर सर हमेशा बड़ा सोचना और बड़ी टारगेट रखना हमेशा बड़ा सोचना और बड़ी टारगेट रखना आगे आगे बोलते रहिए आगे एक एक करके खड़े हो जाइए फटा सर सर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब लगातार 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 हमने हमने यू you नो know, लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते रहे नेक्स्ट सर यस सर बोलते रहिए बोलते रहिए माइक बिक तो आता रहेगा असंतोष असंतोष में संतोष नहीं रहना हाँ हमारा नाम ही संतोष नायर है और लेकिन हमेशा जिंदगी में डिससेटिस्फाइड रहे और गांधी जी बोलते थे कि डिससेटिस्फेक्शन इज अ मदर ऑफ प्रोग्रेस आदमी कोई भी हालत में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर वो संतुष्ट हो गया ना फंस जाएगा वो कोई भी चीज में अगर आपका एक दुकान है और अगर आप एक दुकान में संतुष्ट हो गए तो आपके पास थोड़े टाइम के बाद वो एक दुकान चलाने की कॉन्फिडेंस भी चली जाएगी तो इसीलिए एक से दो जल्दी कर देना है और दो पे ज्यादा टाइम रहोगे ना तो वो दो चलाने का कॉन्फिडेंस चला जाएगा इसीलिए तीन कर देना चाहिए मतलब आदमी को रुकना नहीं है रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है दोनों खलास हो जाता है तो बिल्कुल रुकना नहीं है दूसरी बात यस सर वो किया जो आदमी को पसंद नहीं होता है। बिल्कुल हमारा सक्सेस का फॉर्मूला सरोगी साहब ने बराबर हमसे उठा लिया है जिंदगी में सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल और एवरेज लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता अनसक्सेसफुल और एवरेज आदमी को जो करने को अच्छा नहीं लगता वही चीज की आदत सक्सेसफुल लोगों ने डाली ये नहीं कि सक्सेसफुल लोगों को वो करना अच्छा लगता है उन्हें भी वो करना अच्छा नहीं लगता जो अनसक्सेसफुल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता लेकिन सक्सेसफुल लोगों ने वो करने की आदत डाली जो अनसक्सेसफुल लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता और इनको भी करने को अच्छा नहीं लगता तो जैसे सरोगी साहब ने कहा मुझे भी रोज सुबह साढ़े बजे उठने को अच्छा नहीं लगता लेकिन मैंने उठ उठ के उठ उठ के उठ उठ के उठने की आदत डाली और तूने नहीं उठ के नहीं उठ के नहीं उठ के न उठने की आदत डाली जैसे उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए आर यू मी जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए था तो मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे बड़ा आदमी बनना था तो मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे पैसा चाहिए था तो मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे भी पढ़ने को अच्छा नहीं लगता मुझे भी कोर्स करने को अच्छा नहीं लगता मुझे भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट और खर्चा करने को अच्छा नहीं लगता लेकिन मैंने वो किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता जब जब आप वो करोगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए और जानबूझ के अगर अच्छी आदतें नहीं डालोगे अगर जानबूझ के अच्छी आदतों नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी अगर जानबूझ के अच्छा बोलने की कलाकारी डेवलप नहीं करोगे तो अनजाने में ना अच्छा बोलने की कलाकारी डेवलप कर लोगे अगर जानबूझ के रीडिंग की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में न पढ़ने की आदत लग जाएगी अगर जानबूझ के चैलेंज लेने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में चैलेंज न लेने की आदत लग जाएगी अगर जानबूझ के रोज दाढ़ी नहीं करोगे तो अनजाने में दाढ़ी न करने की आदत लग जाएगी अगर जानबूझ के एक से दो दुकान दो से पांच दुकान नहीं करोगे तो अनजाने में एक ही दुकान में अपना अंतिम संस्कार हो जाएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो माई डियर फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने कि मैं इन सब फॉर्मुलेस पे मैंने काम किया आज भी मैं कर रहा हूं अभी भी मैं कर रहा हूं और लगातार मुझे पैसा नाम इज्जत शौहरत सब मिल रहा है अब मेरी उम्र उस जमाने में 19 की थी आज मैं 54 का हो गया हूं एकदम कच्ची कली हूं अभी तो मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं अभी तो अंगड़ाई ले रहा हूं अभी तो काम करना है बहुत अभी तो बहुत काम करना बाकी है अभी तो 54 का हुआ हूं चौपन बरस का एक 120 में मरने वाला हूं तो अभी और भी अपने पास पैंसठ साल से ऊपर बाकी पड़ा हुआ है और इन पैंसठ सालों में हम बहुत कुछ करने वाले हैं और मरते दम तक एक, एक मिनट पहले तक हम बड़े बड़े टारगेट को लेते रहेंगे बार बार लगातार नया कमिटमेंट करते रहो नया कमिटमेंट करते रहोगी तो अगला पहला सी है कमिटमेंट जोर से बोलिए पहला सी का नाम क्या है जैसे आप बड़ा कमिटमेंट कर दोगे कोई भी काम का कमिटमेंट कर दोगे तो दूसरा सी उभरेगा जिसका नाम है करेज हिम्मत कमिटमेंट के बाद ही करेज उभरती है आपने कमिट कर दिया कि मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं आपने कमिट कर दिया अब आप जब आपने कमिट किया तो आपको मालूम ही नहीं था आप करेंगे कैसे लेकिन आपने कमिट कर दिया कमिट जब करते हो तो दो चीजें होती हैं मतलब करेज उभरती है और करेज के साथ डर उभरता है डर का मतलब है पैंट गीली करना और करेज का मतलब है गीली पैंट में वो करना जो करना चाहिए तो जैसे आपने कमिट कर दिया पहला वाला सी है कमिटमेंट जैसे आपने कमिटमेंट कर दिया आपका करेज उभरेगा करेज यानी हिम्मत सिर्फ कमिटमेंट के बाद ही होती है जैसे आपने कमिट कर दिया कि मैं जीएसटी भरूंगा आपने कमिट कर दिया अब आप तो साले पूरी जिंदगी दो तो नंबर काम किया समझो आपने पूरी जिंदगी आपने दो नंबर किया आपके फादर ने भी दो नंबर किया आपका फादर तो दो नंबर के बाप थे और आप उसके बेटे निकले और आपने तय कर दिया कि अब मैं दो नंबर नहीं करूंगा आपने कर दिया पहला वाला सी पहला वाला सी क्या है लाउडली बोलिए कमिटमेंट कर दिया और जब कमिटमेंट करते हैं तब दूसरा सी उभरता है जिसका नाम है करेज करेज का मतलब है करेज कोई बहुत ही अच्छा फीलिंग नहीं है करे जे घबराहट की फीलिंग है एक फटती है ना जैसे हमने बोला हम सी एस टी भर देंगे हमने बाप जन्म में नहीं किया था तो हमने कमिटमेंट कर दिया कमिटमेंट करने के बाद डर लगता है कमिटमेंट भरने के बाद ऐसा लगता है कि हम फंस तो नहीं जाएंगे कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे करना नहीं चाहिए था कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कांड हो जाएगा कमिटमेंट करने के बाद ऐसा लगता है मैं भाग जाऊं मैं वापिस चला जाऊं मैं नहीं मैं वापिस दो नंबर पर चला जाऊं मतलब ऐसे बहुत सारे ऊट पटांग ऊट पटांग विचार आपके मन में आएंगे आपको भाग जाने का ना करने का गिवअप करने का बड़ा दिल करेगा लेकिन आपने गिवअप नहीं किया तो करेज डेवलप होगी और जैसे ही करेज डेवलप होगी आपका तीसरा सी खड़ा हो जाएगा उसका नाम है क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी का मतलब है आपका माइंड आपको रास्ता दिखाएगा कि करना कैसे है और जैसे ही आपने वो कर दिया तो आप में चौथा सी खड़ा हो जाएगा जिसका नाम है कैपेबिलिटी यानी जीएसटी पे करने का कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी यानी कि चौथा सी है आप काबिल बन गए आप दो नंबर से उठ गए आप बिल में आ गए आप काबिल बन गए ये तो वो बात हो गई जी आपको अंग्रेजी आती नहीं थी आपने कमिट कर दिया और जब आपने कमिट किया आपकी फटी आपको लगा कि कमिट करना नहीं चाहिए था दस दोस्तों के बीच में आपने कहा कि मैं छह महीने में इंग्लिश सीख लूंगा और जब आपने ये कमिटमेंट कर दिया तो आपको पता ही नहीं था कि आप करेंगे कैसे फिर भी आपने हिम्मत करके क्लास ज्वाइन कर दिया और ट्यूशन टीचर क्या बोलती थी आपको समझ में नहीं आया लेकिन आपने क्लास नहीं छोड़ा आपके बच्चे आपको चिड़ाते थे लेकिन आपने छोड़ा नहीं आपकी बीवी चिढ़ाया कि 45 के उम्र में कोई साला इंग्लिश सीखता है क्या तो उसने भी चिढ़ाया दोस्तों ने चिढ़ाया सब ने चिढ़ाया अंदर से आत्मविश्वास टूटा लेकिन आपने कमिटमेंट को छोड़ा नहीं तो आप में आ गया सेकंड सी सेकंड सी क्या हो गया करे जा गया आप में करे जा गया आपने बोला कुछ भी हो जाए मर जाऊंगा साली अंग्रेजी तुम्हें सीख के छोडूंगा तो करे जा गई आपकी और फिर आपका तीसरा सी तीसरा सी क्या था क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी का मतलब है कि आपका माइंड आपका दिमाग आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा अंग्रेजी सीखने के नए नए पेतरे सिखाएगा आपका माइंड और आप वो नए नए चक्कर में फंसेंगे और वहां से चौथा सी खड़ा हो जाएगा चौथा सी लाउडली कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी आप अंग्रेजी बोलने चालू हो गए आप काबिल हो गए आपको बोलने की लत लग गई आप में वो अंग्रेजी की कैपेबिलिटी आ गई और कैपेबिलिटी से आती है पांचवा सी जिसका नाम है कॉन्फिडेंस जिसका नाम है कॉन्फिडेंस अभी आप में कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि पिछले आठ महीने से आप जीएसटी भर रहे हैं और पिछले आठ महीने से आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और पिछले आठ महीने से वो सब कर रहे हैं तो आप में आ गई कॉन्फिडेंस पहला वाला सी क्या था पम कमिटमेंट दूसरा सी क्या था तीसरा सी क्या था क्रिएटिविटी चौथा सी क्या था केपेबिलिटी पांचवा सी क्या था करेज अपना अपना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस और छठवा सी है कंटिन्यूटी कहते हैं अंग्रेजी के बाद रुकना नहीं है अब उर्दू सीखो अब उर्दू का कमिटमेंट कर दिया साले फिर फंस गए अपन फिर डाउट आई फिर हम करेज के तरफ निकले फिर क्रिएटिविटी यूज किया एक बड़ा सलाह मौला मिला उसने सिखाया और फिर हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई उर्दू सीखने की उर्दू में हम शायरी करते हैं फिर और उसके बाद हमारे को आ गए कॉन्फिडेंस और फिर आ गया कंटिन्यूटी हमने कहा अब अंग्रेजी सीखेंगे इस तरह से धंधे में और लाइफ में आजाद वो आदमी होता है जो लगातार ये सिक्स सी करते रहता है हर क्षेत्र में हर क्षेत्र हर क्षेत्र अभी समझो आपको अभी मैं जैसा बात करता हूं आज से करीबन पैंतीस साल पहले तो दो आदमी के सामने खड़ा कर दो मेरे को तो मेरी फट जाती थी अब मैं पांच हजार आदमी के सामने खड़े एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करता हूं तो पहले तो मेरे को ये पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा तो मैंने पहला वाला सी कर दिया लाउडली लाउडली कमिटमेंट कर दिया कि भैया पब्लिक स्पीकिंग सीखना है अब जब पब्लिक के सामने खड़े बात करने की कलाकारी सीखने की हमने वादा किया तभी हमारे को मालूम ही नहीं था कि हम करेंगे कैसे ना हमारे में कॉन्फिडेंस था ना करेज था बाकी सी नहीं थे ना करेज था ना कॉन्फिडेंस था ना कैपेबिलिटी थी ना कुछ थी लेकिन पहला सी कर दिया जोर से पहला सी कमिटमेंट कर दिया कि मैं पब्लिक के सामने खड़े रहकर बात करने की कलाकारी सीख लूंगा और फिर आई करेज बहुत डर लगा कि साला मैं मैंने कमिटमेंट कर दिया कि छह महीने में मैं सीख लूंगा मैं कर पाऊंगा कि नहीं मेरी को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मेरे को कोई टीचर मिलेगा कि नहीं लोग पत्थर तो नहीं मारेंगे मैं बोल पाऊंगा कि नहीं लेकिन उन सब के बावजूद उस डर में रहा मैं उस डर में रहा उस तकलीफ में रहा उस उलझन में रहा उस दर्द में रहा लेकिन मैंने कमिटमेंट को गिवअप नहीं किया जब आप कमिटमेंट को गिवअप नहीं करते हैं तब जाके उभरती है सेकेंड सी लाउडली करेज, करेज, करेज आ गई और करेज एक बार आ गई बोले मर जाऊंगा साला छोड़ूंगा नहीं दस और कोर्स करना पड़े तो लेकिन मैं कर लूंगा लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं जब करेज आ गई तो तीसरा तो आता ही है क्या क्रिएटिविटी आप अब आपका रास्ता आपका दिमाग बोलता बेटा ये कर ले इससे और बढ़िया होगा ये आदमी से मिल ले वो और सिखा देगा ये किताब पढ़ ले ये सीढ़ी सुन ले ये कर ले यहां पर खड़े होके बात कर ले ऐसा कर ले वैसा कर ले तो क्रिएटिविटी आ गई और क्रिएटिविटी से आ गई हमारे अंदर पब्लिक स्पीकिंग की चौथी सी केपेबल बन गए भाई काबिल हो गए काबिल केपेबल हो गए केपेबल हम पब्लिक स्पीकिंग में काबिल हो गए और काबिल जैसे आदमी हो जाता है पाछुआ उभरता है कॉन्फिडेंस आ गया बोले ए, खड़ा किधर रहना बता दे ऑडियंस किधर बताओ कॉन्फिडेंस आ गई और वहां रुके नहीं हम सिक्स क्या है कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी का मतलब है रुकना नहीं है आपको क्योंकि अगर आप रुक गए ना आपने नया कमिटमेंट नहीं किया ना तो आपका जो पुराना कॉन्फिडेंस है ना कॉन्फिडेंस वो हिलने चालू हो जाएगा आप ध्यान से मेरी बात सुनना कि अगर आपने कमिटमेंट नहीं किया नया नया कमिटमेंट अगर आपने नहीं किया ना अगर आपने नया कमिटमेंट नहीं किया ना नया वाला सी नया कंटिन्यूटी छठवा सी में नया वाला नहीं किया ना तो जो पुराना जो सी था ना उसके पीछे वाला कौन सा कॉन्फिडेंस वो हिलने चालू हो जाएगा वो हिलने चालू हो जाएगा और आपको डाउट आएगा कि जो आपने कमाया है ना अब तक और जो आपने किया है क्या आपने ही किया है आपको शंका आएगी आप पे तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा और उसका पहले भी एक सी था क्या capability. वो खलास होने चालू हो जाएगा वो कैपेबिलिटी जो है ना वो खलास होने चालू हो जाएगा और आप डर जाएंगे इतना डर जाएंगे कि आप फिर उसके अंदर फंस जाएंगे इसीलिए एक दुकान एक दुकान डालने के लिए पहले आपने कमिटमेंट किया होगा जब वो एक दुकान डाली ना तो आपकी फटी जरूर होगी साले हाथ में आठना नहीं थी बीवी का गहना बेच दिया था हमने सब कुछ कांड करके इधर उधर हाथ पैर मार के रात को दो दो बजे तक काम करते थे और हमने एक दुकान डाल दिया तो पहला एक दुकान डालने के टाइम पे दुकान पे हमने कमिटमेंट की और वो टाइम पे हमें नहीं मालूम था कि हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं लेकिन बावजूद इसके बहुत तकलीफ के बावजूद आप वापिस नौकरी पर नहीं गए और आप पुश करते रहे और तो आप में आ गई वो सेकेंड वाली करेज उसके बाद आपने क्रिएटिविटी के साथ उस दुकान को चलाया और फिर आप में आ गई कैपेबिलिटी एक दुकान चलाने की एक दुकान चलाने की कैपेबिलिटी आ गई एक दुकान चलाने की कैपेबिलिटी आ गई एक दुकान चलाने की एक दुकान चलाने की कैपेबिलिटी आई और उससे आई उस एक दुकान को चलाने की कॉन्फिडेंस और साले हम में से कईयों ने वहां रुक गए वहां रुक गए क्योंकि छठवा सी हमने किया ही नहीं छठवा क्या था कंटिन्यू दूसरा दुकान डाल देना चाहिए था जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो फैक्ट्री डाल देना चाहिए था फैक्ट्री डाले तो उससे बड़ा फैक्ट्री डाल देना चाहिए था और कैलकटा में फैक्ट्री डाला तो फिर दिल्ली में फैक्ट्री डाल देना चाहिए था और दिल्ली में डाला तो फिर बंबई में डाल देना चाहिए था मतलब यह सिलसिला आजाद आदमी की निशानी है और धंधे वाला जो आजाद नहीं होता ना जो धंधे वाला आजाद नहीं होता ना वो हमेशा डिस्काउंट मांगते रहता है क्योंकि उसके पास जो है वही प्रेशर में है उसकी हालत टाइट है तो वो फिर बोलेगा सरोगी साहब आप मेरे को एक और टका दीजिए तो वो इस तरह से टका ज़्यादा मांगेगा वो उधार ज़्यादा मांगेगा अरे धंधा वो होता है जब अगर मेरे को नब्बे दिन मेरे को साठ दिन में पैसा देना है ना मैं दस दिन में पैसा दूंगा और बोले ले जा हिम्मत उसको बोलते हैं कि साठ दिन के बाद पैसा देना है लेकिन पैसा मैं दस दिन में दे दूंगा पैसा मैं दस दिन में दे क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है लेकिन जब हम पैसा टाइम पे नहीं देते और फिर हम साले भिखारी जो और है और टाइम मांगते हैं सत्तर दिन नब्बे दिन तो समझ लेना तेरी कॉन्फिडेंस की तो जिसके पास हिम्मत नहीं होती ना वो घबराया हुआ इंसान की बातें करेगा और धंधे वाले को कभी भी घबराना नहीं चाहिए और घबराता वही धंधे वाला है जो ग्रो नहीं हो रहा है और इसीलिए आज का टॉपिक का नाम है ग्रो टुगेदर। आपने पूछा कि ये टॉपिक के पीछे राज क्या है तो ये राज सिंपल है वहां पर लिखा हुआ है ग्रो टुगेदर। ये आज का टॉपिक है ग्रो टुगेदर। तो मुद्दा ये उठता है कि आप में से कितने लोगों को ग्रो करना है हाथ ऊपर कीजिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो सब आदमी ग्रो करना चाहते हैं तो मैं एक सवाल ये उठता है कि वन टाइम ग्रोथ करना है वन टाइम ग्रोथ करना है सम टाइम ग्रो करना है कि लाइफ टाइम ग्रो करना है yeah. बहुत बढ़िया क्योंकि बहुत सारे लोग साले 25 साल पहले सक्सेसफुल थे अब बस उसी को पकड़ के रखे हुए हैं मेंटेन कर रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं मतलब एक दुकान था उस मेंटेन कर रहे उस दुकान को अभी हालत बहुत टाइट है अभी उसी लिए हम रोते रहते हैं मॉल आ गया मॉल आ गया मॉल आ गया मॉल आ गया जैसे टाइगर आ गया टाइगर आ गया तू क्या कर रहा था मॉल आने के पहले तू रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा था क्या क्या कर रहा था तू गले पे बैठ के क्यों नहीं आगे बढ़ा तू कौन रोका था तुझे सवाल ये उठता है कि वन टाइम ग्रो करना है कि लाइफ टाइम ग्रो करना है क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं माई डियर फ्रेंड्स लाइफ टाइम ग्रोथ जो है ना जो दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो लाइफ टाइम ग्रोथ में बिलीव करते हैं अब अमिताभ को देखिए अब 77 का हो गया लाइफ टाइम ग्रोथ मैं आज से पंद्रह दिन पहले आशा भोसले का शो देखने गया 85 फाइव ईयर ओल्ड स्टेज पे खड़ी रह के साली नाचती है और तुम्हारा 40 में वारंटी खत्म हो गया एट्टी फाइव बरस की आशा भोसले सामने में फ्रंट रो में बैठा हूं एट्टी फाइव ओल्ड लेडी सामने खड़ी रहकर नाच रही है सुदेश भोसले के साथ मतलब ये जो है ना द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिविजुअल जो होते हैं ना और क्या है ना दुनिया प्रॉब्लम ये है कि ग्रो होना जरूरी है क्योंकि दुनिया फास्ट बदल रहा है पहले दुनिया बदलती नहीं थी इतना आज से तीस साल पहले दुनिया आराम से बदलती थी तीस चालीस साल पहले एक एम होता था चालीस साल पहले एक एम्बेसिडर होता था चालीस साल पहले एक बाटा कंपनी होती थी चालीस साल पहले एक दूरदर्शन होता था कोई कुछ नहीं था लेकिन फिर आज से बीस पच्चीस साल पहले सब चीज ग्रो होने चालू हो गया चेंज होने चालू हो गया और आजकल जो रफ्तार है ना भयंकर रफ्तार है और इस भयंकर रफ्तार में भयंकर तरीके से बदलने वाले लोग ही फ्यूचर को फ्यूचर को अपना सकेंगे नहीं तो डर जाएंगे आप लोग और जो डर गया तो सलाम मर गया ये बिल्कुल बेकार डायलॉग नहीं है जो डर गया वो सचमुच में मर गया देर फोर जो ग्रो नहीं हो रहा है ना उसको मैं वार्निंग दे रहा हूं आज कि ग्रो नहीं हुआ ना तो आप बुरे फंसोगे ग्रो तो आपको होना है भले आपको अच्छा लगे या ना लगे ग्रो तो होना है क्योंकि धंधे में जो आदमी ग्रो नहीं होता वो बहुत बेकार बातें करता है और डरा हुई बातें करता है बात वो डरा हुआ बात कर रहा है